देश भर में कोरोना के मामले भले ही कम हो, लेकिन देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी 26 अक्टूबर को केसों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 41 नए केस सामने आए। वहीं आंध्र प्रदेश में 26 अक्टूबर को कोरोना वायरस के 415 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,64,287 हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सोनारपुर म्युनिसिपालिटी इलाके में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी। ICMR की ओर से भी बंगाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ICMR ने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद कोलकाता में कोरोना के मामलों में 25% की बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता के अलावा बाकी दूसरे जिलों में भी कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं। कोलकाता से सटे सोनारपुर इलाके में अब तक 19 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। यहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे देखते ही यहां 3 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल में 26 अक्टूबर को 806 नए केस सामने आए थे और 15 मरीजों की मौत हुई थी। इससे पहले 25 अक्टूबर को 805 केस, 24 अक्टूबर को 989 केस और 23 अक्टूबर को 974 मामले सामने आए थे। प्रदेश में अब तक कोरोना के 15,88,000 मामले सामने आ चुके हैं और 19,081 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि कई देशों और भारत के कुछ राज्यों में भी अब कोरोना वायरस के केस बढ़ने लगे हैं। राज्यों में कोरोना से मौत की संख्या भले ही कम हो रहे हों, लेकिन कोरोना के मामले में मुंबई की भी हिस्सेदारी बढ़ गई है। बीते सप्ताह भर में महाराष्ट्र में कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में मुंबई की हिस्सेदारी 86% बढ़ी है। इससे साफ है कि अन्य जिलों के मुकाबले मुंबई में भी मौत की संख्या बढ़ती दिख रही है, लेकिन इसमें मुंबई का प्रतिशत बढ़ा है। हाल ही में भारत में सामने आए कोरोना के नए वेरिएंट AY42 ने भी चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि एक्सपर्ट की एक टीम नए कोरोना वेरिएंट AY42 की जांच कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,451 नए केस दर्ज किए गए, वहीं 585 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कुल कोरोना के 3,42,15,653 नए मामले आ चुके हैं। करीब 4 लाख से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। न्यूज़ टेक ब्यूरो।